So, hi everyone, I'm really sorry for the breakdown in my last video, but I just want to request कि हर सास ने अपनी बहू के साथ में ये समझदारी से रहना चाहिए. टू द न्यू एरा सासू मास, आपकी जो भी डॉटर इन लॉ है उनको प्लीज बेटी जैसा रखिए. और टू द डॉटर इन लॉज, आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कीजिए, अपने घर वालों का पूरा ध्यान देकर अपने बाकी के साथ काम करिए. तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स टुगेदर. बट अगर कोई एक जन दूसरे का एडवांटेज लेता है तो कहीं ना कहीं फिर फ्यूचर में खटपट होती है. तो कभी किसी का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, कर्मा हमको वापस देता है हर चीज़, ये बात ध्यान में रखिए. जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक माँ माँ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना पूरा टाइम बच्चों को दे. इक्वली दादी, दादा, मम्मी, पापा, एवरीवन शुड स्पेंड टाइम प्रॉपरली विद द चाइल्ड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट इज़ द मदर हु शुड बी अलाउड टू स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड. ऐसा नहीं कि हाँ भाई तू ये काम कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, और बच्चे के हाल हो रहा है उसको मम्मी के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करने मिल रहा है. भाई बड़े हो के बॉन्ड कैसे स्ट्रांग होगा अगर बचपन में टाइम ही नहीं स्पेंड करने दिया जाएगा. तो इतना भी काम को लेके ये मत करिए, हाउस हेल्प रख लीजिए यार. मगर ये पॉलिटिक्स जो होता है, देर आर मैनी मदर इन लॉज एंड को सिस्टर्स, वॉट डू दे डू इज कि क्योंकि मुझे नहीं मिला था मेरे वक्त ये करना, इसलिए तुझे कैसे मिलता है मैं भी देखती हूँ. तो वो रिवेंज के चक्कर में, जिस इंसान की गलती नहीं है तुम तो उससे रिवेंज ले रहे हो. जस्ट रिमेंबर दैट एंड स्टॉप टेकिंग दैट रिवेंज विद समवन हु इज इनोसेंट. और उसकी लाइफ और उसके बच्चे की लाइफ खराब करने के जगह आप खुद की कैसे संवारनी है उस पर काम करो, और दूसरों को बिना तकलीफ दिए कैसे करना है उस पर काम करो. होम पॉलिटिक्स खेलना बंद करो, क्योंकि फ्यूचर में वो इंसान सफर करता है फिर, और आप रिस्पॉन्सिबल होते हो. डेफिनेटली दे से कि रिस्पॉन्सिबल वो नहीं तुम हो, तुमको वो हैंडल करते नहीं है सिचुएशन. मगर कोई सीधा साधा है, भोला भाला है, तो उसका फायदा मत उठाओ. गॉड विल पनिश यू फॉर दैट, ऑलवेज रिमेंबर. आई विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज फॉर मोर 2-3 डेज इन शॉर्ट वीडियोज. सो डू सब्सक्राइब, वॉच माई चैनल एंड आई हैव सम मोर टिप्स फॉर द मॉम्स एंड द सासू मास कि आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, ताकि आप भी किसी का कर्ज मत लो और उसकी और उसके बच्चे की भी लाइफ मत खराब करो.